सो गाइस, आज की संडे राइड पे निकल चुके हैं। पूरा गैंग हमारे साथ है आज। गैंग बोले तो भाई आकाश भैया, नेहा, अनुज एंड विष्णु खुरापाती लोंडा जिसको कहते हैं। तो आज सब हम चल रहे राइड पे, संडे राइड। मैंने आज तक वैसे अपना चैनल पे आज तक अभी संडे राइड की मैंने वीडियो डाली नहीं, एक दो बार ही बनाई थी भाई। तो आलसी तो मैं हूँ, ये देखो, ये तो ट्रैक कर रहा है, लोग लीड करते हैं, ट्रैक कर रहा रोड पे, इसको ऑफ रोड ट्रैक मिल गया लग रहा है। और वैसे यार वेदर भी बहुत अच्छा है। एंड ये नेहा राइडर नेक्स, तो नेहा ने भी रिसेंट आपने देखा होगा नेहा के ब्लॉग में 6 साल लिया अभी नेहा ने। तो गाइस आप भी नेहा के चैनल को सब्सक्राइब करो, आकाश भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मेरे को भी गालियाँ देने वाले 5 मिनट बाद, क्योंकि ब्लूटूथ पे पैसा लगे हुए हैं ये। तो मैंने कहा सबके लिए मैं बोल दूँ भाई, नहीं तो तुम्हें पता। एंड मुझे भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और क्या करना भाई, इंस्टा पे फॉलो जरूर करना मेरे को, फॉलोअर कम हो रहे हैं यार, फॉलोअर बढ़ाने इंस्टा के भी। आप यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बस इंस्टा पे थोड़ा सा कम है यार। तो आप इंस्टा पे मुझे प्यार दीजिए। एंड आज की संडे राइड इन्जॉय करते हैं सारे। अभी हमें कई लोग और भी रस्ते में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ से चलेंगे आज संडे राइड पे। तो भाई साहब देख रहे हो लाइनअप सारी बाइक्स का, सारी बाइक्स रोइंग कर रही हैं। तो यही मजा यार राइड का, सुबह सुबह शोर ही शोर बाइक्स का। एंड 6 आर, तो यहाँ से अब चलेंगे हम टुवर्ड्स KMP। वैसे लेट तो हो गए मेरे को तो ऐसा लग रहा है, पर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। 10 आर, अब मैंने आवाज़ दी सब डर जाएगा, इसलिए मैं रेस नहीं दे रहा। सो गाइस, आज जिस ग्रुप में मैं राइड कर रहा हूँ, वाइल्ड विंग राइडर्स के नाम से ग्रुप का नाम है। वैसे मैंने बेसिकली कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, क्योंकि तो ग्रुप में मैंने यार देखा काफ़ी टाइम से राइड कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स बहुत होती है। मैंने कहा यार बिना ग्रुप के ठीक है, बाकी सब भाइयों से प्यार है अपना, तो किसी भी ग्रुप में चले जाता हूँ मैं, तो राइड कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं KMP, काफ़ी अच्छा ग्रुप है, काफ़ी क्राउड है यार बाइक्स का इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में मेरी ये फर्स्ट राइड है, अभी तक मैंने कभी इस ग्रुप में राइड नहीं की पहले, तो देखते हैं कैसा यार ग्रुप का माहौल है, अभी पता लगेगा आगे जाके हमें। तो सुबह इस ग्रुप में लंबी लंबी व्हीलिस चल रही हैं। एंड सॉरी फॉर द नॉइस, बिकॉज मेरे माइक के ऊपर की जो कॉटन होती है वो कोई मिस हो गई है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लाउडनेस शोर आ रहा होगा। तो बाकी आप मजे तो ले ही रहे हो पूरे ग्रुप का देख रहे हो। सो अभी हम पहुंच गए हैं ओल्ड राव ढाबा, बिकॉज हमने जाना था KMP, तो प्रोग्राम हो गया चेंज। एक्चुअली फोग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, तो इसी चक्कर में प्लान चेंज करना पड़ा हमें। फ़ायदा नहीं अननेसेसरी कोई चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो ये चीज़ अपने को पसंद नहीं है बिल्कुल। इस होटल में ना एक चीज़ सबसे खास है, अलग जिस होटल को अलग बनाती, क्या इस होटल का बाथरूम की बिल्डिंग देखो, 3 फ्लोर की तो खाली बिल्डिंग बाथरूम की है। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए ओल्ड राव ढाबा मानेसर में। तो भाई क्या ग्रुप यार, ग्रुप में मैंने फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में राइड किया, क्या यार शोर शराबा पूरा ग्रुप के अंदर ना, बाइक सी बाइक। सब आपने लास्ट क्लिप्स में देखा, मज़ा आ गया यार वाकई में राइड करा इतना। देखो आपको बाइक का लाइनअप दिखाता हूँ, ये सारी बाइक्स, ये रही ये जिधर तक देख रहे हो बाइक्स ही बाइक्स, बाइक्स ही बाइक्स, उस तरफ भी आगे बाइक्स लगी हुई है। अभी नहीं भी 50-60-70 बाइक्स तो है इस ग्रुप में जो आज राइड कर रही है बाइक्स। तो यार मौसम मजा आ गया, मेरी बाइक में कैसे मजा आ गया राइड करके, मज़ा आ गया। गोयल साहब की, गोयल साहब कह रहे 10 हज़ार तो मिल नहीं रही, ना कोई बाइक मिल रही है, मैं ऐसे ही घूम लूँ आज तो बैठ के। 10 हज़ार ले लूँ भाई, मैं नहीं दूंगा भैया। आज आप जाओगे ड्यूक पे, मैं जाऊँगा 10 हज़ार। क्या क्या मिलूंगा नहीं फिर, क्या कहती है जनता भाई? जनता कहती है कि पाजी दे दो 10 हज़ार, बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं भाई। तो चलो आपको ना इस होटल की बहुत खास चीज है वो दिखाता हूं, बहुत ज्यादा ही खास है वो। तो वो देख रहे हो वॉशरूम, वहां लिखा हुआ सामने, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ भाई। मेरे ख्याल से गलती होगी इनसे, ये होटल लिखना चाहिए। इस होटल वॉशरूम की खास चीज पता क्या है, जितना बड़ा होटल है उतना ही बड़ा वॉशरूम है। जो मैं वॉशरूम हो भी आऊँ तो
चलते पहले वॉशरूम, कुछ खाना पीना करके बैठते हैं, खाते हैं, उसके बाद करते हैं बाकी की बात। आओ तो आओ, चलो आपको बाथरूम की तरफ लेके चलते हैं। गोयल साहब, बाथरूम में जाना तो बनता है ना? बनता भाई, देख रहे हो ऊपर भी बाथरूम, नीचे भी बाथरूम। नहीं वो मेरा नहीं है, मेरा ये रहा। तो इधर कुछ बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बिजी है काम में। तो गाइस आपको भी पता होगा, नेहा ने भी शिक्षा ली है अभी रिसेंट में। तो सचिन भाई तो अपने आरजी एड चलाते ही हैं, तो भाई नेहा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ठीक है ना? So guys, ये सारा लाइनअप है ग्रुप का, ये देख रहे हो इधर। और मैं हूं आकाश राइडिंग इंडिया, एंड ये हमारे मोटोस्पोर्ट इंडिया भाई, एंड ये वेस्ट दिल्ली राइडर, हेलो, ये गोयल साहब, एंड वो विष्णु खुरापाती। और ये अपने दिलप्रीत पाजी, सॉरी वाइल्ड विंग राइडर पाजी का ग्रुप है। तो पाजी इसके फाउंडर। So guys, ये नई वाली S1000RR M Sports Pro। तो यार इतनी लाउड बाइक है, इतनी लाउड बाइक है यार। साउंड आपको थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ, इसका साउंड सुनना आप। ओ भाई कितना लाउड है। तो guys इतनी लाउड लाउड बाइक्स है ना यार, मजा आ जाता है। और काफ़ी टाइम बाद मेरी राइड है, संडे राइड तो मैं पहली आपको अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ। बाकी मज़ा आ गया यार बिल्कुल। और सब अभी यहाँ से चलते हैं थ्रॉटल शॉटल, वहाँ बैठते हैं, कुछ बातें शातें करेंगे, देन उसके बाद चलेंगे। सो अभी मैं चला रहा हूँ आकाश भैया की ट्रायम्फ टाइगर। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उस पर व्लॉग बनाना है आपकी बाइक पर। तो मैंने कहा चलो यार हम इस पर चलते हैं। तो इस बाइक के ऊपर बैठ के रिच फील होता है बिल्कुल यार, फील लाइक किंग। अलग ही लेवल है इस बाइक का भी यार। वैसे एक बात है यार, टेनर चलाने के बाद इस बाइक के ऊपर बैठने में ज़मीन आसमान का अंतर लगता है कि यार फील होता है भाई बिल्कुल सोफे पे बैठ के मज़ा आ गया यार वाकई में। RC8 एक अब हमारे भाई का जल्दी इस बाइक के ऊपर व्लॉग आएगा यार। बहुत बाइक सेक्सी है यार, बहुत सेक्सी बाइक है। तो बस जस्ट रेड लाइट क्रॉस करते शिवम भाई का शोरूम है हुनिकन मोटर स्पोर्ट्स एट थ्रोटल शोटर गुड़गांव पे। अगर किसी ने प्री ऑन बाइक्स भी परचेज करनी है तो भाई वो यहाँ पे आ सकता है, बाइक्स ले सकता है। ये हमारे राइट साइड पे थ्रोटल शोटल कैफे है, आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा मुझे। सो ये ऊपर एक सिटिंग बनाई शिवम भाई ने, लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था कि मैं बैठने का जुगाड़ है, पर अंधेरे में दिखाया था। यो सो यार प्रोग्राम ऐसा है, कैसा है प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है भाई, बेड दिख गया था मेरे को, मैंने लंबा कर दिया बेड को, मैंने कहा यहीं पे सोते हैं, घर जाने का प्रोग्राम हो रहा है चेंज। और ये जगह का नाम है हुनिकन मोटर स्पोर्ट्स का शोरूम, और घर भी बहुत दूर है। अगर बहुत दूर है, गर्मी देखते हो, धूप देखते हो, दिल कर रहा है यहीं सो जाए। तो भाई देख रहे हो आप सारी बाइक्स, ये बाइक्स ठीक है। एंड बाइक की चाबी तो मेरे पास है। अच्छा जी, नहीं देंगे तो उसके बाद ये गद्दा लगा हुआ है देख रहे हो नीचे भाई। भाई वाकई में यार नेक्स्ट लेवल चाहिए यार, ऐसा ना एक कमरा होना चाहिए बंदे का अपना पर्सनल, चारों तरफ बाइक एंड बीच में एक बेड लगा हो, बंदा आराम से सो रहा हो यार। वो कौन सा है वो जो आता है? हम ना लो आप लोगों को एक अंकल से मिलवाते जिनका शोरूम है, ये रहे वो अंकल। आपको कैसा लग रहा है हम आपके शोरूम में? भैया हमें ना बहुत दिक्कत होती है, प्लीज AC लगवा दो ना। सो गाइस सारा दिन बहुत बढ़िया निकला, अभी दोपहर के बज रहे कम से कम 3, तो भाई मजा आ गया क्यों अंकल? बहुत ज्यादा, देर से पूछो कितना मजा है। बहुत ज्यादा, 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 बहुत ज्याद
एक करोड़ के आसपास का होगा आराम से। तो गाइस ऐसा है, आज वाली वीडियो एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। तो इसी के साथ वाला वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।